वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल में पम्पकिन की सब्जी, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। आलू थोड़ा अनहेल्दी होता है तो उसको रिप्लेस करते हैं, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिंस होते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए और थोड़ा ठंडक भी रखता है। तो आज बनाएंगे खट्टी मीठी पम्पकिन की सब्जी और ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैं ना इसके सीड्स अलग कर रही हूँ क्योंकि बीच में अगर मुंह में आता है ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसका छिलका मैंने देखा कि बहुत मोटा है तो मैं इसको छील ले रही हूँ। अगर आपके बहुत सॉफ्ट हो, एकदम मुलायम हो तो आप छिलका भी रख सकते हैं, बट मेरे वाले में बहुत मोटा था। देखिए कितनी मुश्किल से निकल रहा है ये, तो इसको पूरा निकाल लेंगे। अच्छा, तो मैं आलू नहीं मिला रही हूँ, आप चाहें तो पोटैटो मिला सकते हैं। और आलू की साइज़ आप पम्पकिन से छोटी रखिएगा क्योंकि पम्पकिन तो बहुत जल्दी गल जाता है, आलू गलने में फिर टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए मैं पम्पकिन को ऐसे ऐसे साइज़ में काट रही हूँ, और बीच में बिया आ गया था तो हटा रही हूँ। सबको एक बराबर से काट लिया है। इसमें सिंपल देसी घी में छौंकेंगे अदरक मिर्चा, और चूँकि व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप तेल वगैरह में भी छौंक सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है ज़ीरा, और डालूंगी हरी मिर्च और अदरक, ठीक है। ये सब डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी पम्पकिन। थोड़ा सा कलर अलग आएगा क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डली है। ये आपके साथ भी होता है क्या? मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ डाल दिया है पूरा पम्पकिन, और ये देखने में इतना लग रहा है पर ये गल के बहुत ज़रा सा हो जाता है। सेंधा नमक डाल दिया है, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक देंगे। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ना ये पम्पकिन एकदम बढ़िया से पक के निकल जाता है। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी और ये देखिए हो गया है एकदम बढ़िया। तो मैं इसमें ना इमली का पेस्ट डाल रही हूँ, आप चाहे तो इमली को भिगो के और उसको छान के डालिएगा। मेरे यहाँ लोकल वाला अच्छा इमली का पेस्ट मिल जाता है तो मैं वो डाल रही हूँ। लाल मिर्ची डाली है क्योंकि तीखा रहेगा, खट्टा मीठा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो मैं अब इसमें डालूंगी इमली का पेस्ट और गुड़ डालूंगी। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप चीनी भी डाल लीजिएगा, और चीनी से भी अच्छा स्वाद आता है, चाहे खांड डाल लीजिएगा। और यहाँ मैं पिसा हुआ गुड़ यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बटी वाला होगा तो आप उसको महीन महीन काट लीजिएगा या रेत लीजिएगा। पूरा बटी मत डालिएगा क्योंकि फिर पिघलने में बहुत टाइम लगेगा उसको। और इसको डालने के बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करना है, और ढेर सारा धनिया डालना है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ें गई हैं पर बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो व्रत में बना रही हूँ, ऐसे नॉर्मल डेज में भी बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस।